ईश्वराय नमः, ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः, ओम श्री गणप्रियाय नमः, ओम श्री गणनाथाय नमः, ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय गणपति देवा, जय जय गणपति देवा। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राजज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ चौथ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज करवा चौथ विशेष राशि फल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले कई सालों से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का अशुभ संयोग। आज बुधवार का दिन है, दिनांक 1 नवंबर सन 2023। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज करक चतुर्थी व्रत, करवा चौथ व्रत, दशरथी चतुर्थी व्रत, संकष्ट चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज संपूर्ण दिन रात्रि सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा और आज संध्या समय में शिव योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी महिला दर्शकों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं करवा चौथ पूजा का अशुभ मुहूर्त। आज सायकाल 7:21 से रात्रि 8:57 तक करवा चौथ माता पूजन का शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त। तो आज सभी सुहागिन महिलाएं बेसब्री से चांद का इंतजार करती है और जितना वो इंतजार करती है चांद उतना ही देर से निकलता है। तो आइए जानते हैं आज चांद कब तक निकल जाएगा। तो आज चंद्रोदय का समय रात्रि 8:26 पर रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश स्वयं हैं, विघ्नेश्वर हैं, बुद्धि के देवता भी हैं। करवा चौथ इन्हीं विघ्नहर्ता बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रसन्न करने का दिन है। व्यवहारिक रूप से देखें तो दाम्पत्य जीवन तभी सुखी होता है जब उसमें कोई विघ्न ना आए। इसके लिए पति पत्नी के बीच सहभागिता का, पर्सनल परस्पर अच्छे संबंध, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। जीवन के इन्हीं झंझावतों से निकलने की कोशिश का नाम है करवा चौथ। शास्त्र कहते हैं करवा चौथ व्रत के समान फलदायक, सौभाग्यदायक और कोई व्रत नहीं है। यदि इस व्रत का पालन करने वाली पत्नी अपने पति के प्रति मर्यादा से, विनम्रता से, समर्पण के भाव से रहे और पति भी अपने समस्त कर्तव्य एवं धर्म का पालन सुचारू रूप से करे, साथ फेरे, साथ वचन का पालन यदि नियमित रूप से करे, तो ऐसे दंपत्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जो चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करता है उसके सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, लंबी पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं करवा चौथ व्रत की पूजन की सरल विधि क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। तो करवा चौथ व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लीजिए। करवा चौथ व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लीजिएगा। करवा की पूजा आराधना कर उसके साथ भगवान शिव, मां पार्वती की पूजा का विधान बताया गया है।
क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसीलिए शिव पार्वती की पूजा का विधान बताया गया। तो व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात में सबसे पहले तो हाथ में जल लेकर संकल्प करना है, चौथ माता व्रत का संकल्प करना है। क्या बोलना है? ओम मम सुख सौभाग्य पुत्र पोत्रादि सुस्थिर शी पाप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। ऐसा करते हुए जल को छोड़ दे। ओम सुख सौभाग्य पुत्र पोत्रादि सुस्थिर शी प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प लेना है, यथाशक्ति निराहार रहना है। शाम के समय पूजन स्थान पर एक साफ लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा चौकी अथवा बाजूट के ऊपर, और उस पर भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना कर दीजिएगा। पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा रखना है, उस करवे में थोड़ा सा धान और एक रुपए का सिक्का रखना है, कुछ जगह जल भी भरा जाता है। इसके ऊपर लाल कपड़ा ढक दीजिएगा और सभी देवताओं का पंचोपचार पूजन कीजिएगा। ओम शिवाय नमः इस मंत्र से माँ पार्वती का पूजन कीजिएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से भगवान शिव का पूजन कीजिएगा। ओम षणमुखाय नमः इस मंत्र से स्वामी कार्तिकेय का पूजन कीजिएगा। ओम गणेशाय नमः इस मंत्र से गणेश जी भगवान का पूजन कीजिएगा। ओम सोमाय नमः इस मंत्र से चंद्रमा का पूजन कीजिएगा। लड्डुओं का भोग लगाइएगा, करवे पर 13 बिंदी रखिएगा, गेहूं या चावल के 13 दाने सीधे हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहिएगा या सुनिएगा। भगवान श्री गणेश की कथा का भी श्रवण करना है। तत्पश्चात में भगवान श्री गणेश की माँ चौथ माता की आरती करनी है। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ प्रदान कीजिएगा। उसके पश्चात अपने पति के चरण छूइएगा, उनके मस्तक पर तिलक लगाइएगा। पति की माता अर्थात आपकी सासू जी को अपना करवा भेंट करके आशीर्वाद दीजिएगा। यदि सासू जी नहीं हो तो परिवार की किसी अन्य सुहागिन महिला को करवा भेंट कीजिएगा। इसके पश्चात परिवार के साथ बैठकर सभी सदस्य भोजन प्रसादी ग्रहण कर लीजिएगा। इस सरल विधि से करवा चौथ पूजा संपन्न होगी। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि कैसे आज आप अपनी राशि अनुसार माँ चौथ माता की पूजन अर्चन करें, कौन से मंत्र का जाप करें जिससे माँ गौरी माँ चौथ माता पूरी करे दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर मनोकामना। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाली हमारी सुहागिन महिलाएं आज माँ चौथ माता का, माँ गौरी का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, चंदन, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाली जितनी भी हमारी सुहागिन महिलाएं हैं आज माँ चौथ माता का, माँ गौरी का अभिषेक दही से कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया माँ गौरी को, माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाली हमारी स्वागिन महिलाएं दर्शक आज माँ चौथ माता का, माँ गौरी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम कमाक्षेय नमः, ओम कमाक्षेय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, निश्चित तौर पर पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हिम्मत जी हैं उदयपुर से, पूछिए हिम्मत जी आपका क्या प्रश्न है। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा गुरु जी, मेरे को मेरे पुत्र के बारे में पूछना था। तारीख समय बताए बेटा। उसका है 23 दिसंबर 2010। 23rd दिसंबर, हाँ 2010। समय है सुबह का 11:30 बजे। प्रश्न पूछो बेटा।
गुरु जी इसका पढ़ने में ना मन लग रहा है, कुछ भी नहीं, कंटिन्यू स्कूल भी जाता है पर पढ़ नहीं पा रहा है। देखिए हिम्मत जी, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में शनि की महादशा चंद्रमा का अंतर, इसको हम विष योग बोलते हैं। ये बच्चा जीवन के खराब समय में से गुजर रहा है। इसको 19 साल की शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर मन को अशांत करता है। 19 साल की शनि की महादशा बहुत सी जगह पे जीवन में उतार चढ़ाव करती है। ये शनि में चंद्रमा का अंतर रहेगा फरवरी 2025 तक। कुंडली बहुत अच्छी है। भाग्य स्थान में शुक्र स्वराशि का, चंद्रमा छठे भाव में स्वराशि का, गुरु द्वितीय भाव में स्वराशि का, पितृदोष आपकी घर के अंदर है। पितृदोष के निमित्त पितरों का दीपक जलाए, पानी के मटके के पास उज्जैन जाकर पितरों का दीपक जलाए, एक गणेश रुद्राक्ष इस बच्चे के गले के अंदर डाल दीजिए, हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, हरी चद्दर पे सुलाइए। निश्चित तौर पर ये बच्चा आपके परिवार में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बच्चे का अच्छा समय फरवरी 2025 से शुरू होगा। और बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, आप निश्चिंत रहे, ये बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। अंशिका बीकानेर से जुड़ चुकी है। बेटा आपका प्रश्न बोलिए। जी गुरुजी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। मैं अपने छोटे भाई के लिए पूछना चाह रही थी। बोलिए। की डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1997। 27 अप्रैल 1997। 27 अप्रैल 1997। समय क्या बताया? रात को 9 से 10 के बीच में। प्रश्न पूछो गुरु जी। मैं पूछना चाह रही थी इसके प्राइवेट में काम करेगा या सरकारी नौकरी के लिए बन रहा है। दो चीजें हैं इस बच्चे का जन्म, एक तो मूल नक्षत्र में हुआ है, आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही मूल शांत आपके माता पिता ने करवाए होंगे, यदि नहीं करवाए तो करवा लीजिएगा। अगर मूल शांत नहीं हो, 80 साल का हो जाए और सफलता प्राप्त नहीं हो तो एक मुख्य कारण मूल नक्षत्र का है। तो मूल नक्षत्र की शांति कराइए। 16 साल की गुरु की महादशा इसी साल दिसंबर 2023 में खत्म हो रही है। तत्पश्चात में 10 साल की इसकी चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। प्रश्न ये है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है? बिल्कुल सरकारी का नौकरी का योग है। दिक्कत कहाँ है? प्रयास। गुरु नीच राशि का होके बैठा है। जितने प्रयास, सपने देखना और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना, मेहनत करना, अगर ये मेहनत कर लेगा तो ये जग जीतेगा। अगले एक साल में नौकरी इसको मिल सकती है। इसको बोलो 200% मेहनत करें, हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए, सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, गुरुवार को पीली चीजें खाना नहीं है, पीली चीजों का दान करना है। भगवान जी जुड़ चुके हैं ब्यावर से। पूछिए भगवान जी, क्या नाम आपका, प्रश्न क्या है? जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। पिछले 1.5-2 साल से मेरा कुछ पैसा अटका हुआ है, वो पंडित जी मिल नहीं रहा प्रयास करने के बावजूद जी। तो कब तक आ सकते हैं? दो जगह फंसा हुआ आपके सामने। डेट ऑफ बर्थ टाइम है कुछ? 1577 शाम का जन्म। 15 जुलाई 1975। 77। समय क्या बताया? शाम का है, तब एग्जैक्टली जान लिया। देखिए भगवान जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, समय का ध्यान नहीं है, लेकिन हम अगर प्रश्न कुंडली भी बनाते हैं तो आपका जो अटका हुआ पैसा है वो अप्रैल 2024, अगले वर्ष अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 के मध्य में आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है। ये काल सर्प दोष आपके जीवन में कोई भी काम सीधा नहीं करता है, हर काम में अड़चन रुकावट लेके आता है। उज्जैन जाइए, सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम करें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, निश्चित तौर पर सामने वाला घर आके हाथ जोड़कर आपके पैसे देकर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि आज करवा चौथ विशेष राशिफल में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी महिला दर्शकों के लिए, तीन राशियों की बात करी, आगे की तीन राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाली हमारी जितनी भी सुहागिन महिला दर्शक हैं, आज माँ चौथ माता का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजब अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाली जितनी भी हमारी महिला दर्शक है, आज माँ चौथ माता का अभिषेक मधु
अथवा गुड़ युक्त जल से कीजिएगा, शहद से या गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारी सुहागिन महिलाएं दर्शक, आज माँ गौरी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। माँ चौथ माता का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी ओढ़नी माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज करवा चौथ पर हमारी महिलाएं दर्शक किस तरीके से राशि अनुसार माँ चौथ माता को प्रसन्न करें। छह राशियों की बात करी, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाली जितनी भी हमारी महिलाएं सुहागिन दर्शक हैं, आज माँ चौथ माता का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा, मिश्रित दूध से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी का नाक का काटा माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम त्रि शक्ते नमः, ओम त्रि शक्ते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाली जितनी भी हमारी सुहागिन महिला दर्शक हैं, आज चौथ माता का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाली जितनी भी हमारी सुहागिन महिला दर्शक है, आज माँ चौथ माता का अभिषेक दूध में हल्दी डालकर कीजिएगा, पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाली जितनी भी हमारी सुहागिन महिला दर्शक है, आज चौथ माता का अभिषेक आम के रस से या केवड़े के इत्र से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, पांच फल माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम शियई नमः, ओम शियई नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाली जितनी भी हमारी सुहागिन महिला दर्शक हैं, आज चौथ माता का अभिषेक सुगंधित तेल से कीजिएगा। गुलाब जल, केवड़े के जल से कीजिएगा। गुलाब की माला, सिंदूर, बिंदिया माँ चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाली हमारी सुहागिन महिलाएं दर्शक, आज माँ चौथ माता का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी चौथ माता को अर्पण कीजिएगा। ओम गौरियई नमः, ओम गौरियई नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। ये तो बात हुई राशि अनुसार कैसे आज चौथ माता को प्रसन्न किया जाए। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे सरल उपाय जिनसे पति पत्नी के बीच जो रिलेशंस हैं उनके अंदर मजबूती आए। तो कई बार पति पत्नी के संबंधों में इतनी खटास आ जाती कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, आपकी मैरिज लाइफ सुखी हो जाएगी। क्या करना है? अगर आपको लगता हो कि आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं, रूठे रूठे रहते हैं, तो क्या करें? लाल रंग का सूती कपड़ा लीजिएगा, उसकी एक पॉलिथीन बना लीजिएगा,
पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए लाल रंग के सूती कपड़े की थैली में पीली सरसों के साथ दो अभिमंत्रित गोमती चक लीजिएगा। एक पर पति का नाम, एक पर अपना नाम केसर से लिख दीजिएगा और थैली में रख के चौथ माता का पूजन करके अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे या अलमारी में रख दीजिएगा। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी आ जाएगी। आपके पति का ध्यान पराई स्त्री में हो तो करवा चौथ के दिन साबुदाने की खीर बनाइएगा, उसमें मिश्री मिलाइएगा और पति को अपने हाथ से साबुदाने की खीर खिलाइएगा। पति का पूरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ आपको ही प्राप्त होगा। और यदि आपको लगता हो कि किसी पराई स्त्री के कारण आपके पति आपका अपमान करते हैं तो 300 ग्राम बेसन के लड्डू, दो आटे की टिक्की, 3 केले, 250 ग्राम भीगी हुई चने की दाल गौ माता को खिलाइएगा। करवा चौथ से शुरू करके 5 गुरुवार कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपके पति आपका अपमान करना बंद करेंगे। वहीं यदि आपके पति के किसी और औरत से संबंध है तो पीपल के सूखे पत्ते या भोजपत्र के टुकड़े पर उस औरत का नाम लिखकर कपूर की 3 टिकिया किसी चीनी मिट्टी की प्लेट पर रखकर जला दीजिएगा। पति के बाहरी संबंध शीघ्र छूट जाएंगे। नियमित रूप से केले और पीपल के वृक्ष की सेवा करें। गुरुवार को केले और पीपल दोनों के वृक्ष को जल अर्पण करें, घी का दीपक जलाएं। शनिवार को पीपल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, मीठा जल अर्पण करें। आपका दाम्पत्य जीवन मिठास से भर जाएगा। बहुत ज़्यादा कलह कलेश होती हो पति पत्नी में तो शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करके मीठे सफ़ेद चावल बनाइए, बड़े पात्र में निकाल कर बूरा मिला लीजिएगा, शुद्ध देशी घी मिला लीजिएगा, गौ माता को खिलाइएगा। 11 शुक्रवार कीजिएगा, आपस के बीच के अंदर जितना भी कलह कलेश है वो खत्म हो जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी महिला दर्शकों को फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही, कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।